अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एशियन कुजीन वन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज इस स्पेशल में बन रहा है मटन चाम टिक्का बिरयानी, जिसको बनाना बहुत ही इजी होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। आप इसको खाने के बाद कहने वाले हैं वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग दिस टेम्पटिंग मटन चाप टिक्का बिरयानी। बगैर प्रेशर कुकर के लिए चाप उबालने के लिए 2 गिलास पानी एक तेजकी में चाप के साथ डाल दें और 20 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पर पकाएं। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ चाप 3 पाव हैं, नमक 1 टीस्पून, पानी आधा गिलास, प्याज 1 अदद। और जैसे ही पानी को बॉयल आए तो लिड ऊपर रख देंगे, वेट के मूव करते ही टाइम नोट कर लेंगे और 3 मिनट के लिए प्रेशर देंगे। 3 मिनट के बाद प्रेशर कम्प्लीटली रिलीज हो जाए तो वेट हटा देंगे। प्रेशर रिलीज करने के लिए मैंने ठंडे पानी का मेथड यूज़ किया है। अगर आप देखना चाहते हैं एक डिटेल वीडियो के प्रेशर कुकर किस तरीके से यूज़ करते हैं तो उसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। गोश्त गल चुका है और यखनी रेडी है। अब मैरिनेट रेडी करेंगे। दही 1/2 कप, हल्दी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, गर्म मसाला 1/2 टीस्पून, अदरक पाउडर 1/2 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, जायफल जावित्री पाउडर 1/4 टीस्पून दोनों लेने हैं, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, सिरका 2 टेबल स्पून। सेब का सिरका यूज़ कर रही हूँ, ग्रीन चिली 4 से 5 अदर। इसे मिक्स कर लेंगे। उबली हुई चापों के ऊपर मैरिनेट को डाल देंगे। तमाम चापों को फ्लाई करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करेंगे। और ये जो यखनी हमारे पास है इसको छान लेंगे और इस यखनी को बिरयानी बनाने में इस्तेमाल करेंगे। 10 मिनट के बाद एक पैन में ऑयल लेंगे 1/4 कप, 1 by 1 चापे रख देंगे। पहले 5 मिनट के लिए हल्की दरमियानी आंच पर पकाएंगे। 5 मिनट के बाद मैरिनेट से ब्रश करेंगे। फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे। बहुत ही नाइस कलर आया है। फिर इसे कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे। 5 मिनट के बाद इसको बचे हुए मैरिनेट से फिर से ब्रश करेंगे 1 by 1। इसकी साइड चेंज करेंगे और फिर इसको कवर कर 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे। इट्स ब्यूटीफुली डन। और लास्ट में इसको कोयल को धुआं देंगे। अब बिरयानी बनाएंगे। चावल 1.5 गिलास है, 20 से 45 मिनट के लिए धो के भिगो लिया है। 1 देजकी में पानी लेंगे 7 गिलास, पानी 1/2 देजकी से ज़्यादा भरा हुआ है। अब इसमें नमक ऐड करेंगे 2.5 टेबल स्पून, हरी सब्ज़ मिर्च हैं 4 अदद, सेब का सिरका 2 टेबल स्पून। और जैसे ही पानी को बॉयल आएगा तो इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावलों को एक कनी बाकी रह जाए इतना पकाएंगे। आप पानी छान लेंगे और चावलों को साइड पर रख देंगे। एक पैन में ऑयल लेंगे 1/2 कप, प्याज 2 अदद। इसको फ्राई करेंगे कि गोल्डन ब्राउन हो जाए। थोड़े से वक्फे के बाद प्याज हिलाते जाएंगे ताकि प्याज हर तरफ से इक्वली ब्राउन हो। अब इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, लौंग 4 अदद, साबित काली मिर्च 5 से 8 अदद, दालचीनी की स्टिक 1 अदद, करी के पत्ते 2 अदद। इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर इसमें टमाटर ऐड करेंगे और चांपों की यखनी ऐड करेंगे 1/2 कप और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए दरमियानी आंच में पकाएंगे। एक बाउल में दही लेंगे 1/2 कप, हरी मिर्च 4 अदद, रानी आलू बुखारा 2 टेबल स्पून, अचार 1 टेबल स्पून, नमक 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जायफल जावित्री 1/4 टीस्पून पाउडर लेना है। इसे अच्छे से मिक्स करें। 5 मिनट के बाद टमाटर गल चुके हैं। अब इसमें योगर्ट का ये मिक्सचर डाल देंगे, मिक्स करेंगे और फिर कवर करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब इसने ऑयल रिलीज़ कर दिया है।
मसाले की आधी क्वांटिटी को निकाल लेंगे। उबले हुए चावल की आधी मिकदार ऐड करेंगे, फिर मसाला और बाकी बचे हुए चावल ऐड करेंगे लेयरिंग मेथड के ज़रिए। अब इसको आराम से मिक्स कर लेंगे और आखिर में 2 टेबलस्पून दूध में आधी टीस्पून येलो फूड कलर ऐड करके मिक्स करेंगे और इस तरीके से साइड्स पे डाल देंगे। और ये फ्राइड चांपों को हम इस तरीके से वन बाय वन रख देंगे और पैन में ये जो चांपों का मसाला है ये भी ऐड कर देंगे और इसको कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए दम देंगे। 10 मिनट के बाद चांपों को अलग से प्लेट में निकाल लें और इन चावलों को मिक्स करें एंड सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मटन चाप टिक्के पर नींबू निचोड़ कर सिल्क का मिक्स सैलड के साथ सर्व करें और फिर कहें वाओ यम। ये ईद हमारी ज़िंदगी में बेइंतहा खुशियाँ लेके आए। आमीन। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़। Since is made with love.